गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग एज यूजुअल। एंड अभी अराउंड 11 बज रहा है, काफ़ी लेट उठा मैं। एंड तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों लेट उठता हूं इतना, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं ऑलमोस्ट 11-12 रोज़ उठता हूं। एंड इसके पहले मैं अराउंड 2 बजे उठ रहा था, तो अभी थोड़ा सा चेंज आया है लाइफ में, बट मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। अब ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हमने कर लिया है जो कि हम रोज करते हैं, दैट इज ओट्स, चिया सीड्स एंड एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। एंड दिस इज सेकेंड मील विच इज़ नॉट अ मील, इट हार्डली हैज़ एनी कैलरीज इन इट, जस्ट थोड़ा बहुत अराउंड 20 ml ऑफ मिल्क से जो कैलरीज है बस उतना ही। लास्ट वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि भाई मैं कितना भी कम खा रहा हूँ मेरी वेट लूज नहीं हो रही है, तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो तुम कैलरीज तुम्हें लग रहा है कि तुम कम खा रहे हो, बट जब तुम उसे ट्रैक करोगे यूजिंग अ वेइंग स्केल एंड कोई सा भी ऐप जैसे कि माई फिटनेस पाल, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने मेंटेनेंस पे ही खा रहे हो या फिर थोड़ा बहुत उससे ज्यादा ही खा रहे हो। इट मीन्स तुम्हारा टोटल कैलरी इनटेक तुम्हारे मेंटेनेंस के राउंड है, जिससे वेट लॉस नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड रीजन हो सकता है कि तुम्हारे बॉडी को किसी भी टाइप का पुश चाहिए होता है टू लूज फैट, तो तुम्हें अपने रूटीन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसे तुम एंजॉय करते हो उसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कम खा रहे हो फिर भी फैट या वेट लूज नहीं कर रहे हो, तो ये दोनों चीजों पे थोड़ा सा रीथिंक करना। एंड कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, ऑलरेडी मुझे कॉल आ चुका है, तो चलो उसे रिसीव करते हैं। सो आज ही ये पैकेज डिलीवर हुआ है, एंड इसे अनबॉक्स करने से पहले तुम देखोगे कि ये वीडियो हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये है वो माइक जो मैं अभी जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो या तो इसे हाथ में पकड़ के या कॉलर में लगा के तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड ये इसकी तार है जो ये लटक रही है, एंड ये इधर कैमरे में लगी हुई है। अब इस माइक के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफ़ी लंबी तार है, एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये जब कॉलर पे अटका होता है एंड जब तुम मूव कर रहे होते हो तो ये कभी कभी कैमरा को गिरा देता है, एंड एक बार गिरते गिरते बचा है, एंड अगर कैमरा में कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ये माइक ऑर्डर किया है जो कि वायरलेस माइक है, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स भी, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एंड दूसरा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा शोर रिकॉर्ड करता है ये वाला माइक। अब इसकी खास बात ये है कि ये तुम्हारे DSLR एंड फ़ोन सब में कनेक्ट हो जाता है। ये काफ़ी छोटा है, मतलब इसका रिसीवर अगर तुम देखोगे तो DJI का काफ़ी बड़ा सा होता है, एंड इन लोगों ने, अरे कैसे खुलेगा यार ये। नाउ दिस इज़ द माइक, होली लैंड लार्क M2, एंड तुम देख सकते हो इसका रिसीवर कितना छोटा है, काफ़ी छोटा, एक बटन की तरह है। एंड ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग है इसकी, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे हैं, एंड क्योंकि ये इतना कन्वीनियंट है इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया। सो अब आगे जो भी वीडियो देखोगे सारे इससे ही रिकॉर्ड होंगे, इवन इस व्लॉग में जो आगे के पोर्शन होंगे सब इसी से रिकॉर्ड होंगे। सो अब हम जाएंगे जिम, एंड उसके जाने से पहले फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर, दैट नॉट एवरी डे वुड बी सेम। आज मैं जब थोड़े से नैप के बाद उठा तो आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, थोड़ी सी जुकाम है एंड थोड़ा सर भी थोड़ा भारी है, बट आइदर आई कैन स्किप द जिम टुडे और एटलीस्ट गो एंड ट्रेन लिटिल बिट। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बहुत बीमार हो तो तुम्हें जिम जाना है, अगर तुम ज़्यादा बीमार हो तो येस रेस्ट डे इज़ अ गुड ऑप्शन, बट थोड़े बहुत बीमार होने से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं जिम जाता हूँ, जब मैं स्वेट करता हूँ तो मैं थोड़ा अच्छा फील करता हूँ। I don't know, it can be a personal opinion, but आज हमारा जैसे कि आर्म डे है एंड वी विल नॉट पुश आर सेल्फ दैट मच हार्ड, सिर्फ दो दो एक्सरसाइज करेंगे फॉर बाइसेप एंड ट्राइसेप। तो कोई भी दो एक्सरसाइज जो मुझे आज अच्छी लगेगी मैं उसके 3-3 सेट करूँगा, एंड सेम गोज विथ ट्राइसेप, मे बी 1 push down एंड 1 overhead एक्सटेंशन वुड बी फाइन, एंड अराउंड 40-45 minutes का सेशन मैक्सिमम आज होगा। सो एवरीथिंग इज सेट, जिम जाने से पहले मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा हार्ड पुश नहीं करना है आज, दो कोई भी एक्सरसाइज के 2-2 सेट लगाने हैं। विल ड्रिंक द प्री वर्कआउट एंड विल मीट यू एट द जिम। आज सैटरडे है एंड सैटरडे को मेरी
चीट मील होती है। अब चीट मील मैं हफ्ते में बस एक बार खाता हूँ, जो कि आज है सैटरडे को, क्योंकि मैं पूरे वीक अपने डाइट से स्टिक रहता हूँ एंड एक मील एज अ अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट कि मैंने पूरे वीक अपने डाइट को मेंटेन किया है, इट फील्स गुड।